मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चाइनीज फूड प्रेगनेंसी में खाना सेफ होता है या नहीं, और इफ नहीं तो ये बेबी पे और माँ पे क्या असर करता है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मालविका जी हैं। मालविका जी सीनियर डाइटिशियन हैं, ये इस फील्ड में 16 साल से काम कर रही है। तो मैं उनसे आज पूछना चाहती हूँ कि चाइनीज डाइट प्रेगनेंसी में हम खा सकते हैं या नहीं, लेकिन इसके पहले मुझे एक बताना। मैं हमेशा अक्सर पेशेंट को ये बताती हूँ, पूछती हूँ और बताती हूँ कि चाइना में इतने सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, इतनी सारी डिलीवरीज होती है, तो वो तो सारा चाइनीज फूड खाते हैं। तो हम चाइनीज फूड के बारे में इतने कंसर्न क्यों हैं? तो हम इनसे बात करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूं, जो चाइना में चाइनीज फूड खाते हैं ये इंडियन चाइनीज से अलग रहता है। इंडियन चाइनीज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मीन्स अजीनोमोटो ये जो रहता है, ये फूड को फ्लेवरिंग फ्लेवर देता है, ये फ्लेवरिंग एजेंट रहता है, एक सैटिएटी वैल्यू देता है। तो दिस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और ये अजीनोमोटो की वजह से अपने इंडिया में ये चाइनीज फूड थोड़ा बदनाम है। तो मैं मालविका जी के पास आती हूँ। मालविका जी, ये चाइनीज फूड प्रेगनेंसी में खाना सेफ है क्या? जैसे आपने बोला कि जो हमारे यहाँ चाइनीज बनता है, इंडियन चाइनीज, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट या चाइनीज सॉल्ट होता है, वो डालते हैं। चाइनीज सॉल्ट से मेनली टेस्ट आता है, जो फूड में एनहांस एजेंट है, जो अच्छा लगता है, और एक सर्विंग तक हम नहीं कंट्रोल कर पाते। तो प्रेगनेंसी में एज इट इज क्रेविंग्स बढ़ती है और ऐसे लगता है कि और कुछ डिफरेंट टेस्ट का फूड ले। और जनरली होता है कि जो चाइनीज फूड लेती है गर्भवती महिला, वो बाहर जाके खाती है, तो कभी कभी स्ट्रीट फूड ले सकती है या होटल में जाके खाना खाती है, तो उसका अगेन क्वांटिटी डिफरेंट होता है जो सेवन करती है वो। तो चाइनीज सॉल्ट डेफिनेटली रिस्की है, इट इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर डिलीवरी आल्सो। फर्स्ट 3 मंथ में इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं चाइनीज खाने से? चाइनीज सॉल्ट हम लेते हैं तो उससे हार्ट पल्पिटेशंस बढ़ सकती है, उसमें सोडियम होता है, उससे मॉर्निंग सिकनेस भी बढ़ता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज एसिडिटी प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है, अगर चाइनीज सॉल्ट लेते हैं कुछ मात्रा में, तो उससे एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये जो चाइनीज सॉल्ट है वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। ये जो चाइनीज सॉल्ट मीन्स अजीनोमोटो, ये दूसरे तिमाही से या पहले तिमाही में जब हम लेते हैं, तो वैसे लगातार जब लास्ट तक लेते हैं, तब बच्चे के ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स रहते हैं, उस पर असर करते हैं और ब्रेन और नर्व सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इसीलिए ब्रेन का विकसन कम हो जाता है। अगर चाइनीज खाना है तो घर में बना सकते हैं, जिसमें अजीनोमोटो का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ टेस्ट बदलाव चाहिए तो उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है, चाइनीज में भी बीन स्प्राउट्स यूज करते हैं या मिक्स्ड वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। तो अगर सपोज आप नूडल्स बना रहे हैं, कुछ प्रेपरेशन चाइनीज का कर रहे हैं, तो उसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स स्प्राउट्स ऐड करके अगर वो डिश बना के लेते हैं अजीनोमोटो के बिना अजीनोमोटो के, सोया सॉस, चिली सॉस, दीज आर एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स जो घातक है, तो उनके बिना अगर कुछ प्रेपरेशन करते हैं तो वो हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि चाइनीज फूड और इंडियन चाइनीज फूड अलग कैसे होते हैं। इंडियन चाइनीज फूड अजीनोमोटो के सेवन से बदनाम हो गया है, और डेफिनेटली अजीनोमोटो कंटेनिंग चाइनीज फूड प्रेगनेंसी में खाना बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है या और माँ के लिए भी हानिकारक होता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए
मालविका जी आज आपके साथ है, हमारे साथ है, उन्होंने इस विषय पे विस्तृत जानकारी दी, तो धन्यवाद। और इस सब्जेक्ट पे आप, आपको कोई सवाल रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें ईमेल कर दीजिए। हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या नॉनवेज हम प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, खाते हैं तो हम कौन सा नॉनवेज खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। थैंक यू।